हेलो फ्रेंड्स, आई एम अन्वेषा, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आईबीपीएस एसओआईटी ऑफिसर के प्री एग्जाम का एनालिसिस करने वाली हूँ। सेल्फ गिवन एनालिसिस है ये, क्योंकि मेरा आज एग्जाम था 29 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट में। तो मैं यहाँ पर बताऊंगी आप लोगों को कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन देखने को मिला और डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, और मेरे अटेम्प्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चैनल में अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे आने वाले वीडियोस के। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बैंक एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी आप जरूर चेक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहा। तो मेरा आज एग्जाम था आईटी ऑफिसर का, जो कि सेकेंड शिफ्ट में हुआ एग्जाम। तो पहले पैटर्न देख लेते हैं। फर्स्ट हमें देखने को मिला इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में 50 क्वेश्चंस थे और टोटल मार्क्स थे 25, मतलब हर एक क्वेश्चन पर 0.5 मार्क्स थे। उसके बाद हमें देखने को मिला रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन में टोटल थे 50 क्वेश्चंस और मार्क्स भी थे 50। और उसके बाद लास्ट में हमें देखने को मिला क्वांट सेक्शन, जिसमें कि क्वेश्चंस थे 50 और मार्क्स भी थे टोटल 50। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे यहाँ पे 150 और टोटल मार्क्स थे 125। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हर एक सेक्शन में हमें क्वेश्चन क्या देखने को मिला। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश सेक्शन। ओके, तो इंग्लिश सेक्शन में दोस्तों दो आरसी देखने को मिला। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे दो, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैं टॉपिक आपको बताती हूँ। एक था आपका इंडिया और चाइना के बीच में राइवलरी हो रहा है या वॉर हो रहा है, आप बोल सकते हैं, किस लिए? 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, मोर स्पेसिफिकली हुआई कंपनी को लेकर इंडिया और चाइना के बीच। इंडिया नहीं, सॉरी मैं गलत बोली, नॉट इंडिया, सॉरी, यूएस और चाइना के बीच में, यूएस और चाइना के बीच में 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी और हुआई कंपनी को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है, उस बारे में। और सेकेंड जो आरसी का टॉपिक था वो था आपका ट्रेडिशनल बैंक किंग एंड ट्रेडिशनल बैंक एंड नियो बैंक्स। ठीक है, इस पर आपका सेकेंड आरसी का टॉपिक था। ओके, उसके बाद दोस्तों जो देखने को मिला वो है आपका एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन से क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चन किस प्रकार का था एरर डिटेक्शन से, मैं बताती हूँ आपको। क्वेश्चन ऐसा था कि एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में, ए बी सी डी, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ए बी सी डी इस तरीके से डिवाइड कर दिया है, और लास्ट वाला जो पार्ट है वो आपका बोल्ड में था, वो बोल्ड में था। तो लास्ट वाला पार्ट जो है, जो बोल्ड में है, वो करेक्ट है, तो बाकी 4 पार्ट्स में से एक पार्ट में एरर है। ऐसा ही एक इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ कल डिस्कस की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, प्रैक्टिस मॉक के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आया था एरर डिटेक्शन से। उसके बाद दोस्तों जो आया था वो था मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स से क्वेश्चंस थे। ओके, मैच द कॉलम के क्वेश्चंस थोड़े से मुझे ट्रिकी लगे। और उसके बाद दोस्तों जो था आपका वो था फ्रेज रिप्लेसमेंट। फ्रेज रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन देखने को मिला। उसके फिर हमें देखने को मिला पैरा जंबल से क्वेश्चन। पैरा जंबल से जो क्वेश्चन क्वेश्चन था वो, उसका टॉपिक था पैरा जंबल का वाटर बॉर्न डिजीजेस। वाटर बॉर्न डिजीजेस, फिर मतलब वाटर हाइजीन, इसके ऊपर ये टॉपिक था। टोटल इसमें पैरा जंबल में टोटल आपके थे 7 सेंटेंसेस। ठीक है, 7 सेंटेंसेस थे, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 सेंटेंसेस थे, जिसमें कि 5th वाला सेंटेंस आपका फिक्स्ड था, मतलब ई वाला आपका फिक्स्ड था। ई को आप हटा नहीं सकते हो, ई के अलावा बाकी के सेंटेंसेस आपको अरेंज करने थे, मतलब ई से आगे 4 सेंटेंस आना था और ई के बाद 2। ठीक है, तो ये था आपका पैरा जंबल से क्वेश्चन। उसके बाद आपका क्या था, पैरा जंबल से था और आपका था फिर डबल फिलर। डबल फिलर से आपके क्वेश्चंस थे। ओके, डबल फिलर मतलब क्या है, दो ब्लैंक्स थे। ठीक है, दो फिल इन द ब्लैंक्स थे एक साथ,
ओके इस पर था, और फिर आपका था जम्बल्ड वर्ड्स या वर्ड स्वैपिंग, आप कुछ भी कहो, जम्बल्ड वर्ड और वर्ड स्वैपिंग। वो क्या होता है दोस्तों, वो किस प्रकार का होता है? वो ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स बोल्ड में दिए जाते हैं, कुछ वर्ड्स बोल्ड में दिए जाते हैं, अब आपको बताना है कि उन वर्ड्स को कौन से जगह पे आप प्लेस करने से वो सेंटेंस मीनिंगफुल बन जाएगा। सपोज वर्ड का सीक्वेंस है ए बी सी डी सेंटेंस में, ठीक है, ये बोल्ड वर्ड्स का, लेकिन ऐसे सीक्वेंस में अगर आप रखोगे वर्ड्स को तो सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा अरेंज कर दोगे तो सेंटेंस का मीनिंग बन जाएगा। तो ये पांच वर्ड, पांच बोल्ड लेटर्स थे यहाँ पे, ठीक है, जनरली पांच बोल्ड वर्ड्स थे। जनरली क्या हमें देखने को मिलता है, तीन या चार, लेकिन यहाँ पर हमें पांच देखने को मिला, ठीक है, फाइव वर्ड्स थे बोल्ड में, ओके। और उसके बाद हमें एक पैरा फिलर भी देखने को मिला। पैरा फिलर मतलब क्या, एक छोटा सा पैसेज दिया गया था, छोटा सा मतलब छः सात लाइंस के एक पैसेज था, और उसमें से बीच में एक ब्लैंक था, और आपको बताना है कि उस ब्लैंक में क्या सेंटेंस आना चाहिए। तो ऑप्शन आपका दिया गया था, ऑप्शन में कुछ सेंटेंसेस थे, वहां से आपको फिट करना था उस ब्लैंक में एक सेंटेंस, ओके, ये भी एक था, पैरा फिलर था, ओके। उसके बाद दोस्तों ये था, और उसके बाद दोस्तों वोकैबुलरी से हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला। कैसा क्वेश्चन था, ए बी सी डी चार वर्ड्स दिए गए थे, और आपको बताना है इन चार वर्ड्स में से दो वर्ड का पेयर बनाना है, और ये दो वर्ड्स या तो आप आपस में सिनोनिम्स होंगे या फिर एंटोनिम्स होंगे, ठीक है। तो ये टोटल आपके, यही आपका इंग्लिश का सेक्शन रहा टोटल, तो टोटल आपका रहा 50 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर मैं इस सेक्शन को मैं बताऊं कि लेवल कैसा था, मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है दूसरे एग्जाम्स के तुलना में, जैसा हम प्री एग्जाम्स देखते हैं उसके तुलना में, हम बोल सकते हैं कि इसका लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा, ठीक है। जो लोग एग्जाम नहीं दिए हैं वो लोग बहुत कुछ आपको बोलेंगे इजी था वगैरह वगैरह, लेकिन मैं एग्जाम दी हूँ, मुझे पता है इसका लेवल था मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ओके, ठीक है। उसके बाद हम चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट हम जिस सेक्शन के बारे में बात करेंगे वो है आपका रीजनिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन का। तो रीजनिंग में दोस्तों पहले आपका फर्स्ट सिलॉजिज्म हमें देखने को मिला पेपर में। सिलॉजिज्म से टोटल आई गेस थ्री क्वेश्चंस थे, मुझे अच्छे से याद नहीं है, तीन ही क्वेश्चंस थे, जिसमें से कि दो क्वेश्चंस आपके ओनली ऑफ यू देखने को मिला, और एक क्वेश्चन बेसिक था, ओके। उसके बाद दोस्तों पजल, जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का बात कर लेते हैं, एक था आपका अनसर्टेन लीनियर अरेंजमेंट वाला पजल था, सॉरी पजल नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट था, जिसमें कि सब लोग नॉर्थ फेसिंग थे, ओके। अनसर्टेन लीनियर अरेंजमेंट मतलब एक लाइन में अनसर्टेन नंबर ऑफ लोग, मतलब वहां पे बताया गया नहीं था क्वेश्चन में कि कितने लोग बैठे हैं, वो आपको फाइंड आउट करना था, ओके। अनसर्टेन लीनियर अरेंजमेंट नॉर्थ फेसिंग वाला क्वेश्चन था। उसके बाद दोस्तों पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आया, पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें कि 14 लोग, 14 लोग थे, ओके, तो दो रोज में बैठे थे, रो वन में नॉर्थ फेसिंग और रो टू में साउथ फेसिंग, और टोटल 7 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लोग बैठे थे, ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं था इसमें, बस ऐसा ही था। फोर्थ जो उसके बाद जो था दोस्तों वो था सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट विद वन वेरिएबल, और वो वेरिएबल था कलर, कलर वेरिएबल आया था, ओके, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट विथ कलर, ओके। उसके बाद दोस्तों जो देखने को मिला वो था बॉक्स पजल, जिसमें कि 7 बॉक्सेस थे, 7 बॉक्स पजल, 7 बॉक्स वाला बॉक्स पजल था विथ चॉकलेट, मतलब हर एक बॉक्स में अलग अलग नंबर ऑफ चॉकलेट्स थे। ये पजल मुझे बहुत ट्रिकी लगा, ओके, बाकी सब पजल्स डुएबल थे, ये वाला मुझे लगा कि काफी ये ट्रिकी वाला पजल था।
ओके okay, उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे। डेटा सफिशिएंसी से 4 या 5 क्वेश्चंस टोटल थे डेटा सफिशिएंसी से। उसके बाद जो देखने को मिला वो था दोस्तों क्रिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन हमें देखने को मिला, क्रिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग आप जो भी उसको कहें। यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिला, एजम्पशन से क्वेश्चन था, फिर आपका क्वेश्चन था इन्फरेंस से क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन थे क्रिटिकल रीजनिंग से, मैं ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दी, मैं ये स्किप कर दी थी। ओके उसके बाद दोस्तों आपका था एक ऐसा क्वेश्चन था, एक वर्ड दिया गया था चैम्पियन, और आपको बताना था कि डिक्शनरी ऑर्डर में यहाँ पे कितने पेयर ऑफ लेटर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे भी जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने कि डिक्शनरी में होता है, वैसा वाला डिक्शनरी ऑर्डर वाला क्वेश्चन था ये एक चैम्पियन। उसके बाद दोस्तों जो देखने को मिला एक उसके बाद हमें देखने को मिला ऐसा एक क्वेश्चन जहाँ पे कि 3 वर्ड्स दिए गए हैं, मीनिंगफुल वर्ड नहीं, ऐसे ही 3 वर्ड्स दिए गए हैं, और हर एक वर्ड को आपको डिक्शनरी ऑर्डर में उनके लेटर्स को अरेंज करने हैं, ठीक है। हर एक इसमें 1, 2, 3 इस तरीके से दिया गया था, डिक्शनरी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। उसके बाद आपको बताना है कि डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फर्स्ट एंड सिक्स लेटर कौन से वर्ड्स का सेम रहता है, मतलब पोजिशन चेंज नहीं करता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने को मिला वो था कोडिंग डिकोडिंग, सिंपल वाला बेसिक जो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है होता है वही वाला देखने को मिला, सिर्फ बेसिक चाइनीज डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिला। और उसके बाद हमें देखने को मिला इनइक्वालिटी भी सिंपल वाला, सिंपल इनइक्वालिटी देखने को मिला, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें, इस पेपर का, रीजनिंग के पेपर का अगर हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पेपर था। ओके ओके उसके बाद चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो आपका था वो था क्वांट्स, क्वांट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्वांट्स में दोस्तों क्या था आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, DI से आप के टोटल 4 DI आपका आया था, ठीक है। फर्स्ट आपका जो आया था वो था डबल पाई चार्ट वाला आपका DI फर्स्ट आया था। उसमें क्या था दोस्तों देखिए, फर्स्ट पाई में ऐसा था कि टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स, ओके टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स जिसमें कि वैकेंट फ्लैट्स भी हैं, मतलब वैकेंट मतलब जहाँ पे कोई रहता नहीं है, वैकेंट प्लस ऑक्यूपाइड, ठीक है। यहाँ पे आपका टोटल नंबर दिया गया था और यहाँ पे आपके परसेंटेज दिए गए थे हर अलग अलग टाउन का, ABCD इस तरीके का, ठीक है। और सेकेंड जो पाई था उसमें था आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट्स, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका परसेंटेज दिया गया था। ओके तो ये था आपका डबल पाई चार्ट का, यहाँ से 5 क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद आपका जो था बार ग्राफ DI आया था। बार ग्राफ DI में क्या था दोस्तों देखिए, ऐसा मतलब ऐसा वाला बार ग्राफ DI आया था जिसमें कि एक था आपका एक बार मतलब यहाँ में यहाँ पर एक आपका रिप्रेजेंट कर रहा था टोटल नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड, और दूसरा जो आपका डिनोट कर रहा था वो था आपका नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। ओके नंबर ऑफ डिफेक्टिव मतलब एक था आपका टोटल, दूसरा था डिफेक्टिव, नंबर ऑफ डिफेक्टिव। और आपके पास ये भी एक इंफॉर्मेशन दिया गया था कि सोल्ड कौन से आइटम्स हो रहे थे, सिर्फ जो नॉन डिफेक्टिव वाले आइटम्स हैं सिर्फ वही आइटम्स बिक रहे थे और डिफेक्टिव वाले आइटम्स बिक नहीं रहे थे, ठीक है। इसके ऊपर आपका DI था। नेक्स्ट DI जो आपको देखने को मिला वो था दोस्तों एक ऐसा DI जिसमें 2 साल 2015 2016 दो साल दिया गया है और कुछ लोग ABCD, ओके और इनके इनकम के बारे में कहा गया है। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पर एक आपका कॉलम था परसेंटेज ऑफ इनकम, यहाँ पर मैं लिख कहाँ पर यहाँ पर लिख दूँ, परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट
ऑन रेंट, कि एक परसेंटेज इनकम का एक परसेंटेज जो ये लोग रेंट देने में खर्च किए, और दूसरा कॉलम में था परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अदर एक्सपेंसेस. ठीक है, स्पेंट ऑन अदर एक्सपेंसेस. तो 2015 और 2016 दोनों साल में, और 2015 और 2016 दोनों साल का इनकम डिफरेंट है, इनकम कितना है ये बताया गया नहीं था. ओके, और रेंट और अदर एक्सपेंसेस पर खर्चा होने के बाद जो बचता है वो था सेविंग. ओके, ऐसा ऐसा वाला एक डीआई था. उसके बाद नेक्स्ट जो था वो था एक कैशलेस डीआई बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस. ओके, ठीक है. उसके बाद दोस्तों था रॉन्ग नंबर सीरीज. रॉन्ग नंबर सीरीज मुझे लगा कि इजी था काफी. रॉन्ग नंबर सीरीज से 6 क्वेश्चंस देखने को मिला. उसके बाद अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन भी इजी था. अप्रोक्सीमेशन से भी टोटल 6 क्वेश्चंस देखने को मिला. उसके बाद डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चंस थे. डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चंस थे. उसके बाद Q1, Q2, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 से एक क्वेश्चन था. ओके, और फिर बाकी के सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस थे. ओके फाइन, तो ये था हमारा क्वांट्स का सेक्शन. ये था क्वांट्स का सेक्शन. अब मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरे कितने अटेम्प्ट्स रहे. ओके, मेरे कितने अटेम्प्ट्स रहे वो मैं अब आप लोगों को बताऊंगी. तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश में, इंग्लिश सेक्शन में आउट ऑफ 50 मेरे अटेम्प्ट्स रहे 49 आउट ऑफ 50. उसके बाद रीजनिंग सेक्शन में मेरे अटेम्प्ट्स रहे 30 आउट ऑफ 50. और उसके बाद क्वांट सेक्शन में मेरे अटेम्प्ट्स रहे 24 आउट ऑफ 50. ओके, तो टोटल मेरे जो अटेम्प्ट्स रहे वो है 103 आउट ऑफ 150. ठीक है, ये मेरे टोटल अटेम्प्ट्स रहे हैं. आगे बढ़ने से पहले, जनवरी महीने के फर्स्ट वीक से मैं अनअकैडमी पर रहूँगी, जहाँ पर मैं इंग्लिश सेक्शन का कोर्स करवाऊँगी. एवरी मंथ 35 आवर्स के मेरे लाइव क्लासेस रहेंगे, जहाँ पर मैं बैंक एग्जाम्स 2020 के लिए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल का इंग्लिश आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी. जिन लोगों को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है, जो लोग इंग्लिश में ज़ीरो है, वो भी मेरा कोर्स देखने के बाद इंग्लिश में अच्छा स्कोर पर कर पाएगा, ये मेरा उम्मीद है. तो अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरा कूपन कोड आप अन्वेषा ज़रूर यूज़ करना, इससे आपको सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. और सिर्फ मेरा ही नहीं, अनअकैडमी प्लस पर आप ढेर सारे टीचर्स के लाइव क्लासेस अटेंड कर पाओगे. अनलिमिटेड लाइव क्लासेस हैं वहाँ पर, और आप वीकली क्विज भी वहाँ पर अटेंड कर पाओगे हर एक सब्जेक्ट का. और इसके साथ साथ वीकली वहाँ पर मॉक टेस्ट भी रिलीज़ करता है वाईफाई स्टडी, वो भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है, तो अगर आप बैंक एग्जाम्स 2020 को टारगेट कर रहे हो तो यही सही वक्त है, आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, जिससे कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पूरा कोर्स मिले. ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. आप लोग भी कमेंट्स में शेयर कीजिए कि आप लोग कितना अटेम्प्ट्स किए हैं, स्पेशली जो लोग आईटी ऑफिसर का एग्जाम दिए हैं. प्लीज़ कमेंट्स में शेयर कीजिए आप लोगों के अटेम्प्ट्स, ताकि मुझे भी पता चले कि लोग कितने अटेम्प्ट करके आए हैं. और अगर आपके फ्रेंड्स आईटी ऑफिसर का एग्जाम दिए हैं तो उनके साथ भी मेरा ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें. और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे आने वाले वीडियोज़ के. मैं मिलती हूँ फिर से मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ. सो टिल देन, बाय.